अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नजराना ब्लॉगिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग भी ठीक है। और आज बहुत दिनों के बाद मतलब हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 4-5 दिन तो हो ही गया, 4-5 दिन नहीं, रबी अव्वल कब थे, ईद मिलादुन्नबी वाला ब्लॉग डालने के बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फेस देख के आपको अंदाज़ लगा सकते क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। हाँ, भले ही लाइव हम कंटिन्यू आ रहे, क्योंकि देखो लाइव आने में क्या है ना, एक जगह बैठे रहते हैं बस लाइव आ जाते हैं। लाइव में तो ऐसा होता है कि हम सो भी जाते हैं, लेट जाते हैं और लेट के भी लाइव आ जाते हैं, उसके टेंशन नहीं है। कभी एक दो शॉर्ट वीडियो भी डाल ही दिए हैं। तो देखो उस समय ये नहीं, व्लॉग में क्या होता है ना कि फिर दिन भर का अपना रूटीन दिखाओ, क्या कर रहे नहीं कर रहे, तो सारा चीज़ ये हो जाता है। और बार बार आप लोगों से बोलने में अच्छा भी नहीं रहता कि तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, आप लोग भी बोलोगे क्या है इसका, जब देखो तब एक ही चीज़ रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम नहीं बना रहे थे कुछ दिन से, लेकिन मेरे लाइव वीडियो में बहुत कोई कमेंट आने लगा कि आपकी आपके आ रहा था कि आपकी क्यों नहीं मतलब व्लॉग बना रही हैं। तो फिर उन लोगों को बताएं, देखो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते तो प्लीज़ मेरा लाइव वीडियो ज्वाइन करिए। दिन में 3 बजे आते थे लेकिन अभी नहीं आ रहे, बस सिर्फ रात में 10 बजे आते हैं, क्योंकि 2 टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉसिबल में कोई नहीं है, हो जाता है लेकिन ना फिर बहुत ये हो जाता है, इसलिए भी दिन में नहीं आ रहे, सिर्फ रात में आ रहे। क्योंकि देखो 2 टाइम में आप पब्लिक भी बोर हो जाता है कि दिन रात दोनों, तो इसलिए सिर्फ एक टाइम रात के 10 बजे आते हैं। अगर आपके पास टाइम में रहे तो ज़रूर ज्वाइन क्या करिए, ठीक है। और तो हम सोचे चलो भाई आज मोबाइल उठा लिया जाए, वैसे भी नेट तो है नहीं हम लोगों की तरफ, 2 दिन से हम लोग का इंटरनेट बंद है, कल भी बंद था और आज भी बंद है। तो अभी तो मोबाइल चलाने का कुछ यही नहीं है, तो कल भी नेट बंद था, कल भी 8 से लेकर 1:30 तक बंद था और आज ही बंद रहेगा। तो इसलिए सोचिए आज अपना वीडियो ही शूट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ SSC और UGS ऐसे कुछ करके एग्ज़ाम हो रहा है तो हमेशा पेपर लीक हो जाता है उसकी वजह से। तो 2 दिन यहाँ हम लोग का इंटरनेट बंद है, तो इसलिए हम बोले चलो बना लेते हैं ब्लॉग, क्योंकि अभी अगर नहीं रहता तो बैठ के अपना रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं। तो सोचा चलो आज नहीं है तो एक फ़ायदा होता है कि चलो अपना ब्लॉग शूट कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आयान को, क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांडेड रहता है कि आयान आयान आयान, तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए आयान को, आयान हेलो कर ले, हेलो कर। तो देख लीजिए आप लोग अपने आयान को, देखिए एक मॉल, एक यहाँ पास के मॉल आना है उनको छेड़ रहे हो। आयान कल रात में नहीं आए थे लाइव में, नींद से सो गए थे, तो सब तुम्हारा वेट कर रहा था मालूम, सब तुम्हारा वेट कर रहा था मालूम। अरे का बदमाशी देखिए, हे कल तुम कहाँ से मार करके आया थे, कल कहाँ से मार करके आया था, मार करके नहीं 80 या 90 का स्पीड में गाड़ी था। अच्छा, ऐसा कर रहा था, इतना बुरा गिरा पूरा चढ़ा गया मतलब। तो तेरा गंजी मतलब पूरा खून से था, हमें तो पोछे और बाकी खून से पूरा गाड़ी लत पर। और ले सब लाइव में पूछो तो आयान कहाँ, आयान क्या, तो हम बोले की लड़ा कहीं से मार उड़ करके आया है इसलिए नहीं आया अभी। क्या दिख रहा तुम, मार उड़ने का अरे मार करने प्लान करके जाता है, प्लान कर ही जाता है मार करने के लिए, प्लान करके नहीं तो? एक कॉल चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो आएगा, आराम से आएंगे, क्या करेगा आगे, जो रहेगा उसका मार के बदला में तोड़ देगा, तोड़ देगा। और कोई तुमको तोड़ दिया तो बड़ा बड़ा लोड लेके तो हम बुलाएंगे, छोटा थोड़ी है। चलो जी, आप लोगों के डिमांड पे आप लोगों के आयान को दिखा दिए और इसका हरकत भी दिखा दिए, क्योंकि बहुत आप लोगों का डिमांड रहता है, आयान आयान करते रहते हैं। लाला आयान नहीं, लाला तेरा नाम रखा है, आयान लाला। जोर से पढ़ो ना, जोर से पढ़ो ना, हाँ और ले, और उन लोगों को नहीं पता है क्या, क्या तुम्हें नहीं पता आयान का वीडियो बनता है, आयान में वीडियो में आता है, नहीं पता, वो आज पहली बार पता चला। ओके आयान सपना मैडम आपका यूट्यूब चैनल भी है, कितना सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन। पढ़ ना जोर से पढ़ के बता ना, वीडियो सबसे हाँ शर्मा ले, लड़की बन जा,
गधा लोग कहिएगा। ये है फ्रेंड्स आयान का छोटा भाई, ये जो साइकिल में है। आप लोग बहुत डिमांड था ना उसको भी देखने के, इसलिए दिखा दिए। क्या नाम मिस करी? रेहान। आए देख लीजिए, हाई कर पे हाई कर। देख इसको ऊपर उधर गिरी, देखिए है। नहीं उधर नहीं, उधर नहीं बाबू, दोनों का सेम। हम बोले था आपको पहले भी ना, आयान का और जैनू का दोनों का सेम सेम है। बाबू मार पीट नहीं करना है, निकल जाता। और ये फ्रेंड मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उठ करके हेलो कर लीजिए जी, सलाम कर लीजिए। हेलो नहीं, वालेकुम सलाम। आज बहुत दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट किए, तो आज आप लोगों को पूरा व्लॉग देखने को मिलेगा सिर्फ रोड पर का, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम पूरा मतलब पूरा रोड पर का व्लॉग बनाएंगे। क्योंकि देखिए, एक तो नेट भी नहीं है, सेकेंड लाइट भी नहीं है, तो क्या करेंगे, घर जाकर दस दिन भर दुकान पर ही रहेंगे। और यहाँ मेरा बच्चा लोग, वो कहाँ भाग गया, वो कहाँ भाग गया। और बस जो होगा दिन भर जैसा होगा बस हम दिखाते रहेंगे, दिख रहे हैं हम। बोल तो अरे गधा कहीं का कमाल, फिल्टर का कमाल है ना। फ्रेंड्स आप लोग एक अयान की गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे, अयान मिलवाएगा ना, नहीं मिलवाएगा हाँ। अयान का छोटा वाला भाई, अगर इसको छेड़ने का मतलब है गाली सुनना, इसका मुंह भी देखे तो पूछेगा क्या हुआ। मतलब इसको अगर कुछ बोल रहे फ्रेंड्स आप गाली सुनने के लिए रेडी रहो, इतना बदमाश बच्चा है। रेडी, 1 2 3 बोल, तो तुम बोला था अभी आपका कॉपी करके हम बोले थे कि आप कांटो फूल कर रहे थे ना। हाँ शॉर्ट चेक करो, कितना फिल्टर लगा दिए। वेरी फनी, अभी हम लोग खाए फ्रेंड्स क्रिसमस, और मेरे हस्बैंड गए अनार लाने के लिए। अनार तो पूरा आज एकदम पूरा एंजॉय रोड में ही। आज पूरा आयान को आपको देखने को मिलेगा, आज पूरा वीडियो आयान के ऊपर ही रहेगा। क्या आयान कर, रुक कर गया करो, डांस करा जरा, तुम शर्मा गए तो फिर कैसे होगा यार। ये मेरे हस्बैंड वहाँ ले रहे हैं अनार, लेकर के आ रहे हैं। हो गया, डब्बा भी यहाँ पास है नहीं, कटा हुआ। कितना लिया था किलो? 2 बज गया फ्रेंड्स, और अभी हम लोग खाना खा रहे थे। मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं काम में, और हम भी खा लिए हैं, और अब खिला रहे बाबू को, क्योंकि बाबू को खिलाने में बहुत टाइम लगता है। और आज खाना में मेरे यहाँ था रोटी और आलू का भुंजिया, टमाटर की चटनी, क्योंकि चावल नहीं बनाए, चावल बनाए बहुत टाइम भी लग जाता है। प्लस जैसे कि आप लोगों को बताएं कि इंटरनेट का थोड़ा खैर खाना तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट होता है ना कि देखते देखते टाइम पास हो जाता है। अभी 1:30 बजे का टाइम था, 2 बज गए, अभी तक नेट नहीं आया है, देखो कब तक आता है, क्योंकि जो काम उधर अभी तक नेट नहीं आया है। जो काम करना था कर चुके हैं, सारा चीज़ हो गया, अभी ये टाइम थोड़ा सा था फ्री हो गया मोबाइल चलाने का। 3:16 हो रहा फ्रेंड्स, और अब नेट आ गया है। जब तक नेट नहीं था घर का सारा काम कर लिए, हालांकि बिल्कुल एक काम करने का मन नहीं कर रहा, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और क्या बोल रहे थे, कपड़ा वपड़ा धोना था हाथ से थोड़ा सा, बाबू का था ईद मिलाद नबी में जो पहना था नया वाला कुर्ता, उसमें का था, वो सब को धोए हैं। बाकी जो हाथ से धुना कपड़ा था वो सब धो के बस जैसे भी जस्ट आए रूम में, तो देख नेट आ गया है। तो बहुत ज़्यादा थक गया फ्रेंड्स, सर में बहुत तेज़ दर्द दे रहा, एकदम जैसे लग रहा सर में कोई ना कुछ पकड़ गया, हथौड़ा जैसा ना पीट रहा है। तो क्योंकि आज हमको ये ब्लॉग कंटिन्यू करना है, तो इसलिए हम बोले कि नहीं, क्या है इसको कंटिन्यू करना ही है किसी भी हाल में। और बेटा
नहीं नहीं कर लीजिए, नहीं नहीं करिए, नहीं करिएगा, क्या है क्या है नहीं। तो फ्रेंड्स पहले बाबू को सलाह लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से हम 4:30 बजे। कल ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, कितना खुशी खुशी किए थे, लेकिन देखो हम बोल रहे थे बारे में तबीयत इतना ख़राब है, आज फिर से हमको हॉस्पिटल आना पड़ा। क्या चेहरा बनाया ऊपर वाला मेरा, देखो देख के कोई बोलेगा? अभी इमरजेंसी में एडमिट होने के लिए बोला गया है, तो सोचे कि आप लोगों को भी बता दे। पता नहीं ये वीडियो शायद आप लोगों के पास तो कुछ दिन के बाद ही पहुँचेगा। और यहाँ का भी मौसम देखिए, अभी जस्ट इमरजेंसी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अर्जेंट में ब्लड टेस्ट हुआ, हेमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, उसके बाद एक इंजेक्शन लगा है जब तक के लिए रेस्ट मिलने के लिए। उसके बाद फिर जिस हॉस्पिटल में हम हैं यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है हमको MGM हॉस्पिटल में। पता नहीं ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा भी या नहीं, या कब तक मिलेगा नहीं पता है, ठीक है? तो जो जैसा होगा आप लोगों को इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे, देखते हैं पहले रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद आगे का बताते हैं आप लोगों को। ये ब्लॉग फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत लेट मिलेगा, लेकिन इस जगह पर हमको डॉक्टर एडमिट नहीं बोली थी। आप लोग मेरा कंडीशन देख सकते हो, भले ही कैमरा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। एडमिट नहीं बोली थी, बट हम एडमिट नहीं हुए, इंजेक्शन का 5 दिन का वो ले रहे हैं, और फिर उसके बाद 2 दिन अम्मी के यहाँ रहने के बाद, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए थे वो लेने के लिए, घर जाने के लिए। तो ये फिर आए थे जो छोटू, जिसको आप लोग हमेशा देखते हैं मेरे लाइव वीडियो में, तो वो आए थे कार लेकर के, तो उसी से फिर हम जा रहे थे घर अपना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय शॉप। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी ठीक है, और हम कम्युनिटी पोस्ट डाले थे तो आप लोग उसमें दुआ भी किए, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सॉरी फ्रेंड, बीच में कट करना पड़ा क्योंकि दुकान के सामने ये जो वाला घर दिख रहा है, उस वाले घर से भी कॉल आया था कल, मिलाद है उसके लिए। और फ्रेंड्स हम बोल रहे थे अपना कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स अभी तो थोड़ा तबीयत ठीक है, क्योंकि अभी सुबह शाम करके इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है? बस यही अपडेट देना था, सोचिए आप लोगों को बता दें। और इस ब्लॉग को, ये ब्लॉग बहुत दिन से चल भी रहा है, और ये बताना था कि जैसे कि हम लोग को डॉक्टर इमरजेंसी में एडमिट होने बोली थी, और उसके साथ साथ इंजेक्शन भी लेने बोली थी, तो हमको इंजेक्शन लेना सहूलियत लगा, इसलिए इंजेक्शन लेकर के ही देखते हैं। अल्लाह पाक के अगर करम रहा तो इससे ही बेहतर हो जाएंगे, और आप लोगों का दुआ रहा तो बस आप लोग से एक दरख्वास्त है, प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा। और इस ब्लॉग को एंड करते फ्रेंड्स और कुछ नया नया स्टार्ट करेंगे, अच्छा से एनर्जी के साथ वाला, ठीक है? तो इस ब्लॉग को अभी हम सोच रहे हैं बस एंड कर दें, और फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे नए ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा, और हो सके तो इस वाले क्लिप बाद एक छोटा सा क्लिप आएंगे उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे घर के पास से, यहाँ पास से एक निकलता है, ये क्या बोलते, ताजुद्दीन बाबा का जो यहाँ पर उरूस होता है, तो उनका यहाँ पास अभी एक निकलेगा, तो वो हम यहाँ पास एक क्लिप ऐड करेंगे, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से देखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।